इधर बरमकेला के किंकारी डैम में राजस्व कर्मचारियों की भोज पार्टी के दौरान एक कर्मचारी लापता हो गया था, जिसे डूबने की आशंका पर गोताखोरों की टीम जांच में लगी हुई थी। वहीं रेस्क्यू के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारी की लाश बरामद कर ली गई है और बरमकेला पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किंकारी डैम में एक 28 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो जाने की खबर सामने आई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार किंकारी डैम में पटवारियों के द्वारा भोज का आयोजन किया गया था। बरमकेला तहसील में कार्यरत दिलीप कुमार बरिहा भी इसमें शामिल था। बताया जा रहा है कि किंकारी डैम में तैराकी की शर्त लगी थी। तैराकी के दौरान ही दिलीप कुमार बरिहा लापता हो गया, जिसे आज सूचना मिलने पर मौके पर गोताखोर पहुंच गए, जिसमें गोताखोरों की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद युवक की शव बरामद हुई। रेस्क्यू लगभग 12 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे युवक की लाश मिली, जिससे लाश को देखने लोगों की हुजूम लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप कुमार बरिहा को बरमकेला तहसील में नायब तहसीलदार सरिया वृद्ध द्वारा ऑनलाइन नामांतरण कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। दिलीप कुमार बरिहा के द्वारा शासकीय कार्यालय में बैठकर कार्य संपादित किए जाते थे। किंकारी डैम में आयोजित भोज पार्टी में दिलीप कुमार बरिहा के साथ बरमकेला तहसील के पटवारी ही शामिल होने की बात बताई जा रही है, जिससे घटना स्थल पर डोंगरीपाली पुलिस एवं बरमकेला पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं डेड बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डोंगरीपाली टीआई जितेंद्र ऐसैया हमारे जिला सेनानी ब्लासिस कुजूर को आज सुबह 9 बजे टेलीफोन से सूचना दिए कि हमारे किंकारी डैम में एक 28 साल का युवक पानी में डूब गया है, जिससे हम लोगों ने एसपी और कलेक्टर के माध्यम से एवं जिला सेनानी की मार्गदर्शन से हमने टीम को रवाना होते हुए हम किंकारी डैम पहुँचे। 12 बजे से रेस्क्यू कार्य करना शुरू किया हम लोग, तब 3 बजे हमको सफलता हासिल मिली है। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।